प्रत्येक ग्रामीण को योजनाओं से जोड़े बिना क्षेत्र के विकास का सपना पूरा नहीं किया जा सकता। ग्रामीणों को आवश्यकता अनुसार योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है। उक्त बाग के जरवाड़ी पंचायत के सचिवालय में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान बतौर मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने सोमवार को कही। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, बेंगाबाद प्रमुख मीना देवी, बेंगाबाद वीडियो निशा कुमारी, प्रखंड संख्या की समन्वयक मुजफ्फा अली, 20 सूत्री अध्यक्ष नूनूराम किस्को, उपाध्यक्ष नीलकंठ मंडल, मुखिया राजकुमार नूनूलाल मुर्मू, मोहम्मद समीक सादिक अंसारी सहित पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के दौरान 700 लोगों ने आवेदन दिया, जिसमें से अधिकांशतः मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। सबसे अधिक अगुआ आवास योजना का आवेदन प्राप्त किया गया। वहीं गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए छात्र छात्राओं ने आवेदन किया। इस मौके पर विधायक सरफराज अहमद ने ग्रामीणों को कार्यक्रम का महत्व को समझाया, साथ ही कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार पूरे राज्य में 8 लाख वैसे वंचित लोगों जिन्हें पीएम आवास का लाभ नहीं मिला है उन्हें अगुआ आवास योजना का लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित की है। उन्होंने बताया कि कैसे वंचित ग्रामीणों को आवास मिलेगा, क्या प्रक्रिया होगी। शिविर के माध्यम से आम लोगों को बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान बेंगाबाद वीडियो निशा कुमारी ने कहा कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गांव-गांव में जाकर सरकार के पदाधिकारी और कर्मचारियों की टीम सरकार की योजनाओं का लाभ लाभुकों तक पहुंचाएगी। वहीं कार्यक्रम के महत्व को समझाया और अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं का लाभ लेने की अपील किया। कार्यक्रम के दौरान लाभुकों के बीच कम्बल धोती साड़ी सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का प्रमाण पत्र सहित दर्जनों योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। मौके पर बीपीएम संजय यादव, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर रमेश मरांडी, आर्थिक सहायता दीदी रंभा सिंह, चांदनी परवीन, जानकी देवी, सुनीता मुर्मू इत्यादि कई लोग उपस्थित थे। आज जलवाड़ी पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगी हुई है, जिसमें सभी पदाधिकारीगण आए हुए हैं ब्लॉक से चल के। यहाँ पे सभी ग्रामीण लोग को फ़ायदा हो रही है, फ़ायदा ले भी रहे हैं। सबसे ज़्यादा आवेदन 700 के करीब आवेदन अबुआ आवास में आ चुके हैं, और वृद्धा पेंशन विकलांग पेंशन में भी लगभग 70 से ज़्यादा आवेदन आए हुए हैं। श्रम कार्ड बनाने हैं तो आवेदन आए हुए हैं, जॉब कार्ड के लिए आवेदन आए हुए, मनरेगा के तहत योजना के लिए भी आवेदन आए हुए हैं। तो ग्रामीणों को लाभ हो रही है इस योजना से, जो सरकार योजना चलाई हुई है मुख्यमंत्री जी, उनसे ग्रामीणों को बहुत सारा फायदा हो रही है। और सभी पदाधिकारीगण, हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री साहब को कहना चाहते हैं कि जितने भी आवेदन यहाँ पे मेरे, उसका समाधान होना चाहिए, निराकरण निकलना चाहिए, क्योंकि कोई भी ग्रामीण अगर कुछ आस के साथ अगर फॉर्म डाले तो उनका समाधान होना चाहिए, उन लोगों का कुछ हल निकलना चाहिए। आवेदन दिए हुए तो उनका जरूर निपटारा होना चाहिए, बस यही मेरा अपने मान्य। जलवाड़ी पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में माननीय जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी जी के साथ सम्मिलित होने का अवसर मिला। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का यह तीसरा श्रृंखला है। पूर्व में भी हम लोगों ने देखा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हर पंचायत में लगाए गए, दो बार लगाए गए, लेकिन उस प्रकार से फलाफल उसका नहीं मिल पाया जिस प्रकार से ग्रामवासियों ने उम्मीद करके आवेदन भरा था। उस तरह से उनका समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया था। उम्मीद है इस बार सरकार इस पर मजबूती से पहल करेगी और अपनी मॉनिटरिंग करवा के सारी जो भी समस्याएं, जो भी आवेदन यहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा प्राप्त होते हैं, उसमें पहल करते हुए उनका निराकरण करने का काम करेगी। जी धन्यवाद। हो रहा है कि पूरे देश में कि आपके द्वार में चल के खुद सरकार के पदाधिकारी आपके पास आपको मदद करने आ रहे हैं, चाहे वो राशन से रिलेटेड मुद्दा हो, चाहे वो जमीन से रिलेटेड मुद्दा हो। और मैं आप लोग को ये भी बोलूंगा कि हमारे गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है उसके बारे में भी आप लोग जानिए, क्योंकि ये आपके बच्चों को आगे शिक्षा में काफी मदद करेगा। तो आप लोग सारी जो चीजें हैं उसका आप लोग आके इंफॉर्मेशन दीजिए, पता करिए और लाभ उठाइए। और मुखिया जी के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा, मुझे पता नहीं था, कल मेरी इनसे बात हुई थी, ये मेरे हम उम्र है, तो ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ के लोगों ने इतने युवा मुखिया को
चुना है। यही कह के मैं आप लोग से इजाजत देना चाहता हूँ। जय हिंद जय भारत। इसका लाभ मिलेगा।